स्टडी आयर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सब टॉपिक है उसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक की, जो IES में टॉपिक है हमारा, उसके सब टॉपिक्स की, कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। थर्ड टॉपिक हमारा है जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन एंट्रोपी, इरिवर्सिबिलिटी एंड एबिलिटी, एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल रिलेटेड टू एनर्जी कन्वर्जन। इसमें कौन कौन सी साइकिल आ जाएगी तुम्हारी, रैंकाइन साइकिल आ जाएगी, ऑटो साइकिल आ जाएगी, डीजल साइकिल आ जाएगी और डुअल साइकिल आ जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है आइडियल एंड रियल गैसेस, देन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और लास्ट है हमारा गैस मिक्सचर। हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स से। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले थर्मोडायनेमिक्स से, बेसिक से क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। इसे माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक स्टडी भी बोलते हैं, जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट होता क्या है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट वो होता है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। इन दिस व्यू पॉइंट इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। सपोज करो हमने कोई बॉडी ली, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल से बनी होती है, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और स्टडी, ठीक है। जैसे कि हमने एक पार्टिकल ले लिया, उसकी हमने वेलोसिटी फाइंड की, उसकी हमने क्या किया, मास फाइंड किया, तो ये किस में आ जाता है, हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में, ठीक है। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ठीक है। इसको हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को। अब दूसरा आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस व्यू पॉइंट एवरेज मॉलिक्यूल बिहेवियर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। सपोज करो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो सारे मॉलिक्यूल्स का हम क्या करेंगे, जो भी, जैसे हमने वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो इनकी सबकी वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। यानी कि हम बॉडी लेवल पे हम जो भी स्टडी करते हैं, जैसे ये पूरी बॉडी हो गई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, तो हम इस पूरी बॉडी की, जैसे हम पूछें स्पीड क्या है या मास क्या है, तो वो क्या स्टेट वो क्या हो गया तुम्हारा व्यू पॉइंट, माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है। तो इसको हम क्या, इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक को क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोला जाता है और माइक्रोस्कोपिक को स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वो स्टडी है, एक ब्रांच की स्टडी है, जिसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं, एनर्जी इंट्रैक्शन, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उस सिस्टम में या बॉडी में, ठीक है। कितना वर्क मिल रहा है हमें, कितना हीट देनी पड़ रही है, डेट इज़ वी स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स। और उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं उस सिस्टम में और उसके सराउंडिंग में। अब सिस्टम और सराउंडिंग होता क्या है, ये हम देखते हैं अगली स्लाइड में। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ फिक्स्ड मास और अ फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, इस डायग्राम से मैं बताता हूँ, कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया या जिस बॉडी पे हमें काम करना है, ठीक है, तो वो बॉडी हमारी क्या हो जाती है, तुम्हारी वो सिस्टम हो जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया ये पूरा, जिस पे हम काम कर रहे होते, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे होते। जैसे इसका मान लो हमें टेम्परेचर पता करना है या मास पता करना है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, तुम्हारी सिस्टम हो जाएगी। और उसके अलावा, यानी कि सिस्टम जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी बॉडी रहेगी, यानी कि मान लो ये पूरा क्या है तुम्हारा, एक जगह है, मान लो एक रूम मान लेते हैं, उसमें क्या है, एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर पे अगर स्टडी कर रहे हैं, उसका वेट माप रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और जो उसके अलावा जो भी सरफेस होगा, यानी कि जो रूम होगा,
उसके अलावा क्या होगा, वो हो जाएगी तुम्हारी सराउंडिंग, यानी कि जो सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री। हम डेफिनेशन देखेंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ फिक्स्ड मास, यानी कि उसका क्या होगा, कोई फिक्स्ड मास हो सकता है या फिक्स्ड रीजन, यानी कि कोई फिक्स्ड वॉल्यूम या रीजन होगा। ठीक है, इन अ स्पेस, किसी भी स्पेस में, डेट इज कॉल्ड अ सिस्टम। ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि जो भी सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें हैं उसको क्या बोलोगे, सराउंडिंग बोलोगे। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री होता है, इट सेपरेट द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो सिस्टम सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम बाउंड्री। इट कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल, ये बाउंड्रीज होती हैं वो क्या हो सकती हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं और मूवेबल भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक बॉडी ली, ठीक है, उस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया है दोनों साइड से, फोर्स लगाया दोनों साइड से, प्रेशर मान लो या फोर्स मान लो उसमें दोनों साइड से हमने लगाया। अब ये बॉडी क्या हो गई, मान लो ये कंप्रेस हो गया, ये हो गई, तो यानी कि ये इसकी बाउंड्रीज क्या होगी, अब ये बाउंड्रीज होगी, तो इस सिस्टम को इसमें क्या हो गया, बाउंड्री क्या होगी, मूवेबल हो गई। ठीक है, यानी कि बाउंड्री क्या कर सकती है, मूव भी कर सकती है, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, मोस्टली थ्री सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला हम करते हैं क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज अ सिस्टम विद अ फिक्स्ड मास एंड आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी मान लो हमारा एक सिस्टम है, कोई भी हमने एक सिस्टम ले लिया, इसमें क्या है, इसमें क्या है? सारा के सारा क्या है, इसमें जो भी कंटेंट है यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे क्या है, फिक्स्ड है एंड आइडेंटिटी, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स कभी चेंज नहीं होंगे और इसका मास भी चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इनर्जी इंट्रैक्शन, यानी कि क्या हो सकता है, कोई भी इनर्जी इंट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको हीट दे सकते हैं, इसमें से हीट निकल सकती है, या हम इसमें कोई वर्क दे सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, वर्क आउटपुट ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एनर्जी इंट्रैक्शन हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है, एनर्जी इंट्रैक्शन हो सकता है विद द सराउंडिंग, बट नो मास ट्रांसफर, लेकिन इसमें जो है मास ट्रांसफर नहीं होगा। क्या मतलब, यानी कि कोई भी मास हम इसमें एंटर नहीं करा सकते हैं और कोई भी मास यहाँ से हम आउट नहीं करा सकते हैं, आउटपुट नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटीज़ है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, यानी कि ऐसा भी नहीं होगा कि हम आइडेंटिटीज को चेंज कर दें, यानी कि मॉलिक्यूल्स को चेंज कर दें इसके और मास कॉन्स्टेंट रखें, नहीं, फिक्स्ड मास रहेगा और फिक्स्ड आइडेंटिटीज रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम एंड और कंट्रोल मास सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है इसमें, इसमें क्या हो सकता है, पिस्टन, मान लो हमने क्या लिया, एक पिस्टन ले लिया, ठीक है, एक हमने पिस्टन ले लिया, इस तरीके से हमने एक पिस्टन ले लिया, इसमें क्या है, गैस है, ठीक है, यानी कि गैस मान लो ये, इसमें गैस है, ठीक है, इसमें क्या है, वॉल्व नहीं है, कोई भी वॉल्व नहीं है, यानी कि इसमें क्लोज्ड है, यानी कि जितना भी काम होगा, यानी कि जो भी क्वांटिटी अंदर है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और सिस्टम का मास भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, तो ऐसे सिस्टम्स को क्या बोलोगे हम, क्लोज्ड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अगला हमारा सिस्टम आता है वो है ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में क्या रहता है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम कैसा है, मान लीजिए सबके घरों में क्या होता है, पानी की टंकी रहती है, यानी कि वाटर टैंकर रहता है। ठीक है, ऊपर ऊपर वाटर टैंकर रहता है, यानी कि क्या होता है, नीचे मोटर के थ्रू क्या जाता है, पानी जाता है उसमें से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, जैसे मान लो हमारा ये टैंकर हो गया, वाटर टैंकर हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, वाटर इनपुट किया और यहाँ से हमने क्या किया, वाटर आउटपुट लिया। ठीक है, वाटर यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ठीक है, तो इस रीजन को, यानी कि ये वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, यानी कि इसमें जो क्वांटिटी आएगी वो तो फिक्स रहेगी, वाटर की क्वांटिटी फिक्स रहेगी इस रीजन के अंदर। ठीक है, तो इस रीजन को क्या करेंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसमें क्या रहेगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, इस सिस्टम को बोलेंगे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, मास चेंज हो सकता है, यानी कि हम जैसे वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो मास चेंज हो सकता है, मास इंट्रैक्शन हो सकता है, आइडेंटिटी चेंज हो सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स डिफरेंट आ रहा है, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वाटर के और यहाँ से कुछ निकल रहे हैं। ठीक है, इनर्जी इंट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि हम कोई भी यहाँ पे हीट दे सकते हैं और यहाँ से हीट ले सकते हैं, कोई वर्क दे सकते हैं और वर्क आउटपुट मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं,
ओपन सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम। हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन कैन टेक प्लेस बट नो वॉल्यूम चेंजेस, यानी वॉल्यूम इसका कोई चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज सिस्टम बाउंड्री रिमेन्स फिक्स्ड, यानी कि इस सिस्टम की बाउंड्री क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी कि कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल कौन सा हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप हो गया, इनमें देखा होगा तुम लोगों ने कंप्रेसर टर्बाइन या इसमें इसमें क्या रहते हैं, बाउंड्री कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, यानी कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मास फ्लो चेंज हो सकता है, तुम्हारा एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है इसमें, तो ऐसे सिस्टम्स को बोलते हैं ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी सिस्टम है हमारा, उसका क्या होगा, ना तो कोई हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है, ना हीट कोई जा सकती है, ना कोई वर्क इनपुट हो सकता है इसमें, और यहाँ पे मास भी कांस्टेंट रहता है, ना कि मास तुम्हारा आउटपुट हो सकता है, ना मास इनपुट हो सकता है, यानी कि ये नाइदर नो मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन, यानी कोई भी मास चेंज नहीं होगा और कोई भी इनर्जी इंटरेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, यूनिवर्स, ठीक है। दूसरा क्या है, हॉट वाटर इन अ परफेक्ट इंसुलेटेड फॉर्म, जैसे भी हॉट वाटर वगैरह होता है उसको क्या रखते हैं हम लोग, आइसोथर्म्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण हमारा वाटर एज अ हॉट रहे और कूल रहे। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है तुम्हारा, जब भी हम अंदर रखते हैं तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या है तुम्हारा, कि वहाँ से ना तो हीट इंट्रैक्ट हो रही है, यानी कि ना हीट मिल रही है, ना हीट आउटपुट हो रही है, डैट इज़ कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब हम कुछ IAS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हम IAS के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हैं, उनको इस इन टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर आप पॉज करके वीडियो अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद आप आंसर मैच कीजिएगा आपका सही है गलत है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप आंसर भी दे सकेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा क्या कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आप, मैं पढ़ूंगा तो आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर उसके बाद आंसर दीजिए, फिर आप देखिए, ठीक है। आगे अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है ESC में 2011 में, तो हमें क्या बताना है, ओपन सिस्टम बताना है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इनमें से। हमें पता है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन से होते हैं, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो होते हैं जिसमें क्या होता है तुम्हारा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन एनर्जी और मास ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला है मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर। मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर में क्या होगा तुम्हारा, मैनुअल आइसक्रीम फ्रीजर में हीट इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, मास इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नहीं हो सकता। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, मास वैरी कर सकता है, यानी कि मास इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट, और एनर्जी इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन वॉल्यूम इसका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो ये किसका हो गया तुम्हारा, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में क्या रहता है तुम्हारा, वॉल्यूम फिक्स रहता है, मान लिया वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन मास और आइडेंटिटी क्या रहती है, वो भी फिक्स्ड रहती है उसमें, ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन होता है, वॉल्यूम और मास इंटरेक्शन नहीं होता है इसमें, तो ये गलत है। बॉम कैलोमीटर भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया तुम्हारा, बी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये क्या हो गया, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड वन इफ, कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड का होगा जब उसमें क्या होगा, कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हो, कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन के थ्रू पढ़ा है, तो अब इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। ये कुछ कब आया था, ESC 2011 का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मास ट्रांसफर एंड एंट्रोपी चेंज आर जीरो, मास ट्रांसफर एंट्रोपी चेंज आर जीरो, नहीं, एंट्रोपी चेंज का हमने नहीं बताया है, कुछ भी नहीं होता, मास ट्रांसफर जीरो होना चाहिए लेकिन एंट्रोपी चेंज का कुछ नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। एंट्रोपी चेंज एंड एनर्जी ट्रांसफर आर जीरो, एनर्जी ट्रांसफर सही है लेकिन एंट्रोपी चेंज फिर से इसमें आ गया, तो ये भी नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो, हाँ,
क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर जीरो होना चाहिए फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, तो ये सही है। मास ट्रांसफर एंड वॉल्यूम चेंज आर जीरो, ये गलत है। ठीक है, केवल एनर्जी ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर आर जीरो। ठीक, तो आपको ऑप्शन क्लियरली देखना है। देखो आपको लग रहा होगा मास ट्रांसफर एंड वॉल्यूम चेंज आर जीरो, नहीं, फिक्स वॉल्यूम रहता है माना, लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कब कंसिडर किया जाता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर जीरो, वॉल्यूम चेंज जरूरी नहीं जीरो रहे। ठीक है, तो ये वाला हमारा सी वाला आंसर है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को हमें मैच करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी 2011 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, ये कोड्स दिए गए तुम्हें और ये तुम्हें दिए गए लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करने का। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, देखिए पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, इंटरचेंज ऑफ द मैटर इज नॉट पॉसिबल इन अ सिस्टम, इंटरचेंज ऑफ अ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन अ सिस्टम। ठीक है, यानी कि मैटर इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो कौन से उसमें होता है तुम्हारा, ओपन सिस्टम, सिस्टम, क्लोज सिस्टम, साइकिल। सबसे पहले तो आप इन सब ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो किस चीज़ में हम मैटर इंटरचेंज नहीं कर सकते, मैटर इंटरचेंज हम एक ही चीज़ में नहीं कर सकते। क्लोज है क्या, ओपन सिस्टम में मैटर इंटरचेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मास इंटरेक्शन होता है हमारा, तो यानी कि पहले वाले का फर्स्ट नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, सिस्टम इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन अ सिस्टम, नहीं, सिस्टम में क्या होता है, दोनों चीज़ होती हैं, ओपन सिस्टम भी होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास इंडक्शन होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, क्लोज सिस्टम इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम, हाँ ये इसमें होता है, तो ये वाला सही होगा, यानी थ्री थर्ड का ए, ए का थर्ड। ठीक है, ए का थर्ड अब किस किस में आ रहा है, ए का थर्ड आ रहा है एक तो बी में आ रहा है, एक डी में आ रहा है, तो बी और डी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बाकी के ए और सी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लोग, एनी प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन और अ स्टेट इज कॉल्ड। अभी मैंने इसके टॉपिक के बारे में बताया नहीं, तो मैं अभी इसके बाद में आऊँगा, तो इस स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, दूसरे स्टेटमेंट पर आइए। इंटरचेंज ऑफ अ मैटर इज पॉसिबल, इंटरचेंज ऑफ अ मैटर किस में पॉसिबल होता है, इंटरचेंज ऑफ अ मैटर किस में होता है, ओपन सिस्टम में, हाँ ओपन सिस्टम में होता है। ठीक है, और क्लोज सिस्टम में होता नहीं, तो हमारा ये हो गया, डिसाइड हो गया, सिस्टम में तो दोनों चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारा पहले सी का क्या होगा, फर्स्ट। अब सी वाले का फर्स्ट कौन सा है, या तो सी है या डी है, लेकिन सी वाले में क्या होगा तुम्हारा, वी और डी में से देखना था, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर अंडर कंसिडरेशन इन द थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड, जो भी मैटर कंसिडर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो डी का क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, तो हमारा डी का सेकेंड है। ठीक है, और बी क्या होता है तुम्हारा, एनी प्रोसेस इन विच द इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि जिस कंडीशन में है उसमें वापस से उसी कंडीशन में आ जाए, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी कि हमारा क्या है, बी का फोर्थ, तो बी का फोर्थ भी है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमें एक एक चीज़ करके देखना है, अगर मान लो हमें एक कोई भी पॉइंट्स नहीं आते हो इनमें से, तो हम क्या करेंगे, उसके अगले पॉइंट को देख लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, आइस केप्ट इन अ वेल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क। ठीक है, थर्मो फ्लास्क क्या होता है, जिसमें हीट इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, हीट इंटरेक्शन नहीं होता है और कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होता है, थर्मो फ्लास्क यूज करते हैं ना हम लोग। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम, किस सिस्टम का होगा, थर्मो इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क, यानी कि इंसुलेटेड है, तो यानी कि नो हीट ट्रांसफर और एनर्जी इंटरेक्शन और नो मास ट्रांसफर, तो वो कौन सा होता है तुम्हारा, वो होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी बात थी सिस्टम्स की, कितने टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होता क्या है एक्चुअली में, ये बताते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम विच स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, जैसे कैसे करेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे मान लो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो वो क्या करेगी, बताएगी स्टेट ऑफ अ सिस्टम, बताएगी किस स्टेट में है वो सिस्टम। जैसे मान लो कैसे डिफाइन करोगे, जैसे अभी ये प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, या इसका मास इतना है, तो वो स्पेसिफाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो उस सिस्टम की
स्टेट को स्पेसिफाई करता है जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती कौन क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंड ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करें जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर मास पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम जो हम सिस्टम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। ठीक है, टेम्परेचर मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। डेंसिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक पोटेंशियल, विस्कोसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें मास पे डिपेंड नहीं करती हैं ऑफ अ सिस्टम, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं, जैसे क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, या स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी कि पर यूनिट मास वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं उन्हें बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगली आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, कौन सी होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ जो मास के ऊपर डिपेंड कर रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो भी सिस्टम के मास पर डिपेंड कर रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि क्या हो गया तुम्हारी एग्जांपल, मास हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करेगा, हाँ करेगा। एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, एंथैल्पी क्या हो गया, ये एंथैल्पी वर्ड मैं अभी आपको याद कर लीजिए क्योंकि आगे आएगा आपके टॉपिक में एंथैल्पी होता क्या। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, हाँ ये भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये भी डिपेंड करता है एक्सटेंसिव मास पे। मोमेंटम, ठीक है, एम इन टू बी, मोमेंटम भी डिपेंड करता है। लेंथ, एंट्रोपी, ये सभी किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या होगी तुम्हारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, अब देखो कोई भी सिस्टम के स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है, द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले क्या चाहिए, द प्रॉपर्टीज मस्ट विद अ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी पूरे जो सिस्टम है उसकी सिस्टम में यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लो हमारी ये बॉडी है, ठीक है, या सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ का प्रेशर कुछ और है, ठीक है, यहाँ का प्रेशर P1 मान लिया, यहाँ का प्रेशर P2 मान लिया। ठीक है, पूरे सिस्टम में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। ठीक है, या टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कुछ होगा, यहाँ का टेम्परेचर, ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तभी क्या बता पाएगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम बता पाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द सिस्टम, सेकंड क्या, द वैल्यूज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम शुड बी इन वेरिएंट विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो क्या किया, इस टाइम पे P1 है, उस टाइम पर P2 हो गया, ऐसा नहीं, इन वेरिएंट विद टाइम होना चाहिए, तभी हमारे स्पेसिफाई कर पाएगा स्टेट ऑफ द सिस्टम की। ठीक है, तो ये थी कंडीशन टू फुलफिल द स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, अपने गिब्स फेज रूल, ये बहुत ज़रूरी रूल है, ये आप अच्छे से देखिएगा। गिब्स फेज रूल देखो क्या होता है, गिब्स फेज रूल ने क्या किया, जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो उस सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए हमें कितनी मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए उस सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, ये हमें गिब्स ने एक रूल दिया था कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होंगी उसके स्टेट को बताने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, गिब्स फेज रूल इज यूज टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम बाय डिटरमाइनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, यानी कि हम उसकी सिस्टम के स्टेट को हमें बताने के लिए कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए वो हम किससे पता करते हैं, गिब्स फेज रूल से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, गिब्स ने एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला क्या था, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। पी क्या है तुम्हारा, फेज, नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है, जो सिस्टम के नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं,
एफ के डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्या हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और टू तुम्हारा क्या है एज अ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कैसे पता करते हैं। जैसे मान लो वाटर वेपर हो गया और एक प्लस वाटर लिक्विड, ये कोई भी कंपोनेंट जिसमें क्या है वाटर वेपर्स हैं और वाटर लिक्विड, तो उसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए। देखो एक तो वेपर फेज हो गया, एक लिक्विड फेज हो गया, तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए टू, ठीक है। कंपोनेंट्स कितने हो गए, वाटर एक ही कंपोनेंट है यानी कि कंपोनेंट कितने हो गए वन, तो हमारे पहले वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा पी कितना हो गया तुम्हारा टू, एफ हमें निकालना है, ठीक है। सी कितना हो गया तुम्हारा वन, तो थ्री माइनस टू कितना यानी कि एफ कितना आ गया वन आ गया, ठीक है। यानी कि हमें कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चाहिए होगी, केवल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए होगी जिससे हम सिस्टम के डिफाइन कर सकते, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगला है हमारा, अगला एग्जाम्पल है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है, जहाँ पे वाटर वेपर, वाटर लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड तीनों कंसाइड करते हैं, उनमें क्या होते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में कितना हो गया, फेजेस कितने हो गए थ्री हो गए, कंपोनेंट कितना है एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो हम इस वैल्यू पर रखेंगे तो इसमें क्या है थ्री और इसमें क्या है प्लस वन थ्री, यानी कि थ्री माइनस थ्री कितना हो गया जीरो, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और मिनिमम ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी होगी जीरो चाहिए, यानी कि ट्रिपल पॉइंट में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, फिक्स्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी होती है जीरो होती है। ये जरूर याद रखिएगा कि एट ट्रिपल पॉइंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ठीक है। ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ गिब्स फेज रूल, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईएएस के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड में, ठीक है। ईएससी 2016 में ये क्वेश्चन आया था, क्या आया था, द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ पाथ फंक्शन, अ पॉइंट फंक्शन, अ क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज इन द इन रिवर्सिबल प्रोसेस, अ क्वांटिटी विच चेंजेस विद व्हेन द सिस्टम अंडरगोज अ साइकिल। अब आपको बताते हैं पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे वाले चैप्टर में आपके आएगा, लेकिन थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई ये आइडेंटिटी होगी एक्स इंटेंसिव आइडेंटिटी, ये वाई आइडेंटिटी होगी, ठीक है। मैंने उल्टा ले लिया लेकिन कोई बात नहीं, एक्स और वाई ले लिया। इसमें क्या है एक्स प्रॉपर्टी है और वाई प्रॉपर्टी है इस स्टेट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। इस पर क्या है इस प्रोसेस में एक्स वन एक्स टू वाई टू, इसमें एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो मान लो इस स्टेट में ये क्या होगी तुम्हारी प्रॉपर्टी, पाथ कौन सा फॉलो कर सकती है, ये फॉलो कर सकती है और ये फॉलो कर सकती है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट में या तो यहाँ से जा सकती है या यहाँ से जा सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज जा सकती है, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी होती है यानी कि ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, यानी कि यहाँ से जा सकते हैं इस पॉइंट पर या यहाँ से जा सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो पॉइंट है यानी कि इनके जो सिस्टम है, जैसे मान लो मैंने माना ये वाला फर्स्ट पॉइंट माना और सेकेंड पॉइंट माना, इनके जाने कहीं से भी जाएं लेकिन इनकी आइडेंटिटी यानी कि एक्स आइडेंटिटी और वाई आइडेंटिटी तो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारे, ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, इनकी जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होगी वो भी सेम रहेगी, यानी कि इस पॉइंट पे सेम रहेगी इस पॉइंट पे, तो यानी कि कौन से फंक्शंस हो गए, ये पॉइंट फंक्शंस हो गए, ठीक है। अभी आपको एक्चुअली में अच्छे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पॉइंट फंक्शन, तो यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वो कौन सी होती है, पॉइंट फंक्शन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, देखिए, द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, ईएससी में 2016 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, देखो पहले ऑप्शंस देखते हैं, मास ऑफ द सिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद इट्स सराउंडिंग, पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, नेचर ऑफ द बाउंड्रीज रिजिड और फ्लेक्सिबल। किस पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है मास ऑफ द सिस्टम पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये कब आया था, ईएससी 2010 में लिया था, टेम्परेचर विस्कोसिटी इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, विच ऑफ दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जो मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर मास के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। सेकंड का विस्कोसिटी करती है, विस्कोसिटी भी नहीं करती है, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, नहीं करती। इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है,
ठीक है, तो ये सही है। एंट्रोपी, एंट्रोपी मास पे डिपेंड करती है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हमें कौन सी बतानी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बतानी है, तो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यानी कि ये भी मास पे डिपेंड करती है, तो ये नहीं होगी, फर्स्ट वाला नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन हमारे कौन से हो सकते हैं, या तो वी हो सकता है या तो डी हो सकता है, क्योंकि दोनों फर्स्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ हैं, यानी पर यूनिट मास है, वो सारी की सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो सेकंड वाला हो जाएगा, यानी कि अभी भी क्या है, वी और डी में से कोई ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड क्या है, प्रेशर, प्रेशर डिपेंड करती है, मास पे नहीं करती है, यानी कि ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि सेकेंड थर्ड, तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, बी वाला। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, एंट्रोपी, अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, इससे पिछले एग्जाम्पल देखा कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी नहीं होता, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सी फेजेस पी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर रिलेटेड बाई गिब्स फेज रूल एस। ये तो मैंने सी डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ई एस सी 2001 का, ये तो आप इजीली बता दोगे क्योंकि अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, वैसे एक्चुअली होता क्या है, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सी माइनस पी माइनस एफ इक्वल टू टू, नहीं ये नहीं हो सकता। ठीक है, एफ माइनस सी माइनस पी, एफ माइनस सी माइनस पी, नहीं ये भी नहीं हो सकता है, एफ प्लस पी चाहिए हमें। सी प्लस एफ माइनस पी, सी प्लस एफ माइनस पी नहीं हो सकता। ठीक है, पी प्लस एफ माइनस सी इक्वल टू, हाँ ये हो सकता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट गिब्स फेज रूल पूछ लिया था मैंने 2001 में। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करना है। देखो अभी मैंने स्टार्ट किया, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन तो इस पर कोई अभी बनेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा जब आप दो तीन टॉपिक पढ़ोगे, तीन चार टॉपिक जैसे मैं पढ़ा लूँगा, उसके बाद आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करोगे। तो अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो सब टॉपिक्स में कभी कभी पूछ लेते हैं आईएएस वाले। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और अगर आ गए तो आपके लिए फ़ायदा भी रहेगा। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कीजिए, इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। क्या है, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो पहला क्या है तुम्हारा, सिंगल कंपोनेंट सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, सिंगल कंपोनेंट थ्री फेज सिस्टम, ये आप खुद ही ट्राई कीजिए और उसके बाद में जो मैं अगली वीडियो लाऊंगा उसमें इसका आंसर आपको देना। जो क्वेश्चन मैं दूंगा तो वो आप अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन खुद ही कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और आपको मोर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे आगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उनको लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट के फॉर्म में आप बता सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, और क्या क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो भी आप अपने कमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मेरा अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊँगा सिस्टम प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें सिस्टम प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, और प्रोसेस में रिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, और जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि आईएएस के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हुए हैं जो आए हैं, क्योंकि रिपीट हुए थे, यानी कि मोस्टली क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपसे रिलेटेड इसके। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको डिस्कस करूँगा, और जो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग।